और इसके बीच में मैं एक शय वो देना चाहती हूँ रवि किशन जी का जिन्होंने आपने एक वीडियो भी देखी होगी जो वायरल हुई है उन्होंने मुझे बताया कि तू तो एक्टर बन सकती है और पापा मैं और भाई हम तीनों ही गए थे वहाँ पे रवि सर के घर पे उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा ऐसा है तो उस वक्त तो उस वक्त मैसेज नहीं आया कॉल नहीं आया तो पापा लखनऊ गए हुए थे तब उस वक्त मम्मी ने मुझे भगा दिया तो आज मम्मी पापा की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ वाया कॉम टीम के एंटरटेनमेंट चैनल कलर्स के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 की कंटेस्टेंट अर्चना गौतम का गृह नगर मेरठ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया शो में फाइनल तक पहुंचने वाली अर्चना गौतम ने अपने खास अंदाज और बेबाकी से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था मेरठ के छोटे से कस्बे हस्तिनापुर के एक दलित परिवार से मॉडलिंग की दुनिया का सफर तय करके और फिर पिछले यूपी विधानसभा इलेक्शन में हस्तिनापुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर सुर्खियों में आई अर्चना गौतम बिग बॉस शो के खत्म होने के बाद पहली बार अपने नगर मेरठ पहुंची थी और वो मेरठ पहुंचकर काफ़ी खुश नजर आईं रोड शो के दौरान स्वागत के बाद मीडिया से बात करते हुए अर्चना गौतम ने बिग बॉस सीजन सोलह के सफ़र और अपने अनुभव और कई रोचक जानकारियां साझा की बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं जब अंदर थी तो यहाँ पे अंदर होने के बाद आपको कुछ पता नहीं होता जो भी वीकेंड के वार पे आपको पता चलता है वही सब चीज़ें रहती है बट जब मैं बाहर निकली और कसम से इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है इतना ज़्यादा मैंने महिलाओं से भी बात की कल मैं इतनी महिलाओं से मिली थी तो मैंने कहा अगर मैं पीआर अपना करती या मैं अपना पूरा बैकअप का लेके जाती अंदर जैसे सब लोगों का पीआर था तो उनकी इमेज पे कुछ चीज़ें ऐसी नहीं आई तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ हुआ है तो जन, जो औरतें थी उन्होंने ये बात बोली कि हमें आपका चिल्लाना ही तो पसंद था आप जो उंगली करती थी हमें वो ही तो पसंद था जैसी भी थी आप, आप वैसी थी तो मैंने तब सोचा कि शायद क्योंकि मुझे नहीं पता मैं तो बाहर निकली हूँ तो मुझे बाहर आके पता चला है कि मेरा चिल्लाना भी पसंद था मेरी उंगली करना पसंद था मेरा हंसना पसंद था बट एक चीज़ उनको पसंद नहीं आई मेरा रोना कहता जब आप रोते थे ना हम लोग रोते थे तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया बिग बॉस की जर्नी जी के क्या सीख के निकले अंदर से? हाँ अंदर से सीख के निकली मैं पेशेंस कंट्रोल मजनू कंट्रोल सीरियसली मतलब जो पेशेंस मेरे अंदर आ गए हैं अब मेरे पापा भी जानते हैं कि अभी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता पहले मुझे सच में गुस्सा आता था जैसे आपने देखा अंदर तो, तो चुनाव में <laughs> सच में तो अभी मेरे अंदर इतना गुस्सा नहीं है देखो इंसान भैया गलती तो होती है और गुस्सा तो हर किसी को आता है बट वो मैंने ना कंट्रोल किया पेशेंस मेरे अंदर आ गए एक एक लाइफ में ना एक ठहराव आ गया जो आना बहुत जरूरी था शायद मैं तब

जनता को हंसने का एक एक मौका फिर से मिले तो मैं भी देखते हैं कि चैनल क्या करता है मेरे लिए। तो सी। परिवार के लोगों आपका साथ दिया। कितना रोल रहेगा यहाँ तक आपको इस मंजिल तक पहुँचानेस आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी मम्मी पापा की बदौलत हूँ शायद पापा उस वक्त डांटते नहीं और मम्मी मुझे भगाती नहीं तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती तो शायद इनका बहुत बड़ा शायद के नहीं मतलब शायद होता ही नहीं मैं यहाँ पे होती नहीं क्योंकि इन लोगों का मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था अच्छा भाई भी लगा था। साथ रहे आपके हाँ तो भाई, भाई भाई का क्या भाई ने तो मेरी लाइमलाइट ही छीन <laughs> ली थी उस दिन ये आया था बिग बॉस ने भी बोला था कि अर्चना लाइमलाइट लाइट कहाँ गई बट मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त मम्मी नहीं आई क्योंकि पहले मैं सोचती थी इसने ही भांजी मारी है ये ही नहीं लाया मम्मी को बट आज मुझे पता चल रहा है कि हाँ कम से कम मेरी वजह से इसका करियर बन रहा है ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है मैं भी चाहती हूँ कि इसको कोई टीवी सीरियल मिले या कोई रियलिटी शो मिले और ये भी एंटरटेन करे भी जनता भी को सोचा नहीं था कि कि मतलब एक दिन में इतना प्यार मिल और इतना प्यार प्यार मिल मिल जाएगा रहा है है अच्छा क्या भाई।, भाई भाई ये एक्टर है और ये एक्टिंग करता है बेचारे को भी कुछ मिला नहीं इतना ज्यादा छोटा मोटा करता था जैसे मैं 2014 में आई थी ना तो इस टाइम ये सिचुएशन उसकी है बट एक मुकाम मिला लोगों ने फारा मैम ने इसको इतना पसंद किया है कि बहुत ज़्यादा तो लेट्स सी ये भी कुछ जल्दी आपको किसी रियलिटी शो में या फिर किसी चीज़ में आपको दिखेगा अंदर एक को के बात है कि और जी देखो मैं हाँ मुझे बोला गया मुझे अनपढ़ गंवर और कोएड स्कूल में नहीं पढ़ी है क्या ये तो ये सब चीज़ें बोला गया तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें ना बहुत छोटी है अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर ये लैंग्वेज मैटर नहीं करती है आप हिंदी में हो ठीक है आप हिंदी छोड़ो आप खुद की भाषा यानी भाषा या खड़ी बोली भाषा कोई भी भाषा है आप उसी में आग, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो कहते हैं जी जो नए जनरेशन उनको लगता है कि इंग्लिश आनी जरूरी है तो अभियान के क्षेत्र में उनको कोई मौका नहीं मिले हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आनी जरूरी है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इंग्लिश एक प्लस पॉइंट हो जाता है मतलब अगर आपके पास एक नंबर है तो अगर आपके पास इंग्लिश आ जाती है तो वो दो नंबर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भारत भारत की अगर हम बात करें सब लोगों को मतलब हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी को अभी आगे मुंबई जैसे शहर में दिल्ली जैसे शहर में पीछे छोड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं निकली हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग निकले जो हिंदी को बढ़ावा दे तो हमारी हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग

तो भैया हमारी जो ये लैंग्वेज है ना वो हमारी देसी लैंग्वेज है बट शायद उसको वहाँ पे नहीं समझ पाए बट हाँ जब टाइम हो गया धीरे धीरे टाइम हो गया तो लोगों को पता चला कि नहीं भैया अर्चना की लैंग्वेज ही ऐसी है तो उस चीज़ पर मैंने किया और मज़ेदार किया कि हमारी लैंग्वेज को फेमस किया हमारी लैंग्वेज एक हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी लैंग्वेज स्ट्रांग बनी और हमको भारत में हिंदी को ही अपना भूमिका देनी चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए और कहते भैया तुमने तो गुंडी को लाए भेजो 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 इसलिए मैंने गुंडी नहीं बोला मैंने इसलिए दबंग बोला क्योंकि गुंडी का ही दूसरा नाम दबंग होता है आप समझ रहे हैं तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे क्या है सब प्यार से अच्छे से दिमाग से सोचो तो मैंने इसलिए बोला दबंग जनता ने मुझे एक हंसी मज़ाक में चुलबुली में और एंटरटेनमेंट में पसंद किया तो मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हंसाऊँ और एंटरटेनमेंट में खुश करूँ क्योंकि होता है ना जब इंसान जॉब करके आता है है और घर पे जब आता है तो सोचता है कि क्या करे तो अभी लोग बोर हो रहे हैं तो मैं चाहती हूँ ऑफ कोर्स एक रियलिटी शो में जाऊं जिसमें मैं जनता को हंसाऊं कोई तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंचती थी उन्होंने तो मुझे बताया कि तुम एक्टर बन सकती हो ये चीजें नहीं बन सकती हो तो भैया कितने एक्टर लोग हैं जो एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं और सनी देओल सर को देख लो वो यहाँ पे भी हैं ऐसा नहीं है वो सांसद भी हैं सब लोग तो ऐसा तो मैं मतलब मेरे से पूछा जाता है उनसे नहीं पूछा जाता भैया हम भी करेंगे हम भी एंटरटेनमेंट करें, भी करेंगे बट रवि किशन को मैं ये बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे राह दिखाई क्योंकि शायद अगर राह वो नहीं दिखाते थे तो मैं मुंबई जा ही नहीं पाती थी क्योंकि पापा उनके बोलने पे मुंबई लेके गए थे इसलिए पहले वो सर हैं जिन्होंने मुझे एक राह दिखाई पहले मेरे लिए वो हैं बाद में वो मेरे लिए नेता